विगत दिनों नगर के सेमनरी रोड स्थित प्राइवेट पुष्प कल्याण अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता प्रतीक्षा की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने अस्पताल पर और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनेस्थेसिया का ओवरडोज दिया गया था, जिसके कारण 24 वर्षीय प्रतीक्षा और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने प्रतीक्षा का पोस्टमार्टम भी भोपाल ले जाकर करवाया। इसके बाद आष्टा अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी कई संगठनों ने देकर कार्रवाई और न्याय की मांग की थी। आज फिर न्याय की मांग को लेकर नगर के बुधवारा स्थित ताम्रकार समाज के श्री राधा कृष्ण मंदिर से मौन रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों बुधवारा अस्पताल चौराहा पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी बड़ा बाजार सिकंदर बाजार से नजरगंज के सुभाष चौक पहुंची, जहां प्रतीक्षा शर्मा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद मृतक की बहन नेहा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए फिर नगर के निजी पुष्प कल्याण अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग करते हुए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञात हो विगत दिनों ये मामला उठने के बाद जिला कलेक्टर सीहोर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पैनल बनाकर मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश भी दिए थे, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से दुखी नगरवासियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से खालिद खान की रिपोर्ट। मैंने न्याय यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि मेरी जो बहन है प्रतीक्षा शर्मा, उसके साथ बहुत मायूसी है। कल्याण हॉस्पिटल में मेरी बहन की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस चल रही थी, और जब डिलीवरी की प्रोसेस चल रही थी तो 8 तारीख को मैडम ने हमको वापस से बुलाया था। जब हम 8 तारीख को गए तो उन्होंने सारा टेस्ट करके 10 तारीख को उन्होंने वापस से बुलाया। 10 तारीख को जब हम 11 बजे गए तो उन्होंने बोला नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वेट किया 4 बजे तक। फिर उन्होंने बोला कि भोपाल से डॉक्टर आएंगे, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, और जब वो इंजेक्शन लगाएंगे इसके बाद आपकी पेशेंट का ऑपरेशन होगा। करीबन 4:30 बजे 5:55 पे लगभग 40 से 45 मिनट का डिफरेंस था, मैडम आई, डॉक्टर मैडम आई, शीबा अंसारी मैम आई और दो नर्स आई। उन्होंने कहा कि आपकी पेशेंट को हमने इंजेक्शन लगाया था और आपके पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप 2 जने जाके ओटी में देख लीजिए। जब ओटी में जाके 2 जने ने देखा, मैंने और मेरे परिजनों ने, तब मेरी सिस्टर पूरी डेड पड़ी थी, उस मतलब उसकी पल्स रेट और उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था। अभी सभी लोग आपके साथ आए हैं, इतनी जन समुदाय आपके साथ जुड़ा है, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? मैं सबसे न्याय मांगने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि मेरी बहन प्रतीक्षा को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो, नहीं तो इससे ज्यादा आगे भी प्रोसेस हो सकती है। नहीं, लेकिन पिछले घटना को 4 से 5 दिन हो गए हैं, इस बीच में स्थानीय प्रशासन से आप कहीं सहयोग मिला ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, मतलब कोई कार्रवाई 3 से 4 दिन के अंदर नहीं हुई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें पूरा स्टाफ जिम्मेदार है, पूरा स्टाफ A to Z स्टाफ सबकी, और स्पेशली मैडम हरमन की लापरवाही के कारण, जो कि उनको भी नहीं पता, उनको भी मतलब वो 85 इयर्स की हो गई है, उनको ब्लड कैंसर है, इसके बाद भी उनके अंडर में पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? और जब हम पूछ रहे हैं कि डॉक्टर आ गया है, डॉक्टर का नाम बताओ, तब भी क्यों नहीं नाम बताया जा रहा है? और जिनकी देख रेख में ये हॉस्पिटल चल रहा है, मैं ये मांग करती हूँ कि सभी को पनिश किया जाए, को भी नहीं छोड़ा जाए, पूरा स्टाफ प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, दोषी भी है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।